रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कुछ कटिंग्स ग्रो कर रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लिए जाएं कि अब मैं कौन सी जो है वो कटिंग ग्रो करने के लिए जा रही हूँ। बिस्किस की मैंने हर कलर की कटिंग जो है ग्रो कर ली है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मैं इनको कैसे ग्रो किया है और किस किस कलर में मेरे हिबिस्कस जो मेरे गार्डन में मौजूद हैं। तो आज जो मैं ग्रो करने के लिए जा रही हूँ वो है मेरा प्राइड ऑफ इंडिया। प्राइड ऑफ इंडिया के मेरे पास दो कलर्स अवेलेबल हैं। मैंने सोचा इनकी कुछ कटिंग्स लेती हूँ, उनको ग्रो करती हूँ। और बहुत प्यारी सी फ्लावरिंग है मेरे गार्डन में। यहाँ पे अलमंडा फ्लावर है, लांटाना है। लांटाना को तो काफ़ी मैंने ग्रो कर लिया है। और यहाँ पर ये देखिए मेरा जो है चंपा का प्लांट है, काफ़ी अच्छी इसने मुझे प्रोग्रेस दी है, इसको भी मैंने काफ़ी ग्रो कर लिया है। कुछ प्राइड ऑफ इंडिया कम थे तो मैंने सोचा उनको ग्रो कर लेते हैं एज ए सेलिंग, सेल करने के लिए काफ़ी जो है मेरी डिमांड अब इस प्लांट पे आ रही थी तो मैंने सोचा इसको ग्रो कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए बहुत ही प्यारा सा मेरा फ्लावर खिल रहा है। काफ़ी बर्ड्स आ चुकी हैं, कुछ एक दिनों में ये प्लांट काफ़ी हैवली फ्लावरिंग जो है मुझे दे देगा। तो चलें प्राइड ऑफ इंडिया का जो है वो दूसरा कलर भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैक्सिकन पेटोनिया बहुत ही प्यारी सी फ्लावरिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर कुछ मेरा अलमंडा, बहुत प्यारी सी फ्लावरिंग अलमंडा में भी हो रही है। और यहाँ पर ये देखिए मेरा कमल के फ्लावर। अब दोबारा सीट पे आगे हैं, ये देखें ये बर्ड है, ये है, ये फ्लावर, ये देखें ये इसका सीड है। और यहाँ पर मैंने जो है पिछला सीड भी हार्वेस्ट कर लिया है। कुछ प्लांट हम सीड से ग्रो करते हैं, कुछ कटिंग से ग्रो करते हैं। तो चलते हैं, ये देखिए मेरा बहुत ही प्यारा सा पेंटास। नेक्स्ट इंशाल्लाह पेंटास पे भी वीडियो आएगी क्योंकि पेंटास भी काफ़ी डिमांड है कि पेंटास आप प्लीज़ ग्रो करें और हमें ये बाय करने हैं। तो चले कुछ कुछ जो है फ्लावरिंग आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है। बहुत प्यारी सी फ्लावरिंग जो मेरे गार्डन में हो रही थी। कभी धूप आ जाती है और कभी बहुत तेज़ जो धूप आ जाती है और कभी बादल आ जाते हैं, कुछ इस तरह का ही सिस्टम मेरे गार्डन में चल रहा है। लेकिन ओवरऑल फ्लावरिंग बहुत प्यारी सी थी तो मैंने सोचा वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाए। तो चले अब मैं जो है कटिंग लेके आती हूँ इनकी और ग्रो करते हैं। यहाँ पर ये देखिए ये प्राइड ऑफ इंडिया एक पीच कलर में है, एक पिंक कलर में है। आज मैं इनकी सिर्फ एक एक कटिंग ही ग्रो करूँगी क्योंकि अभी ये मेरा प्लांट कुछ खास बड़ा नहीं है, छोटे छोटे प्लांट हैं। एक्सपेरिमेंट के लिए बस मैं इनकी कटिंग ग्रो करूँगी। ये देखिए छोटे से मेरा ये प्लांट है। तो चले ये देखिए मैंने इसकी एक कटिंग ले ली है, इसके छोटे छोटे जो हैं कटिंग लेते हैं। इस प्लांट में से भी मैंने ये तीन कटिंग्स ले ली हैं जहाँ पर तकरीबन इस वो ब्रांचें जहाँ पर जो फ्लावरिंग काफ़ी खिल चुकी थी। तो बस अब इनको ग्रो करते हैं और नेक्स्ट इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसा इनका जो है मुझे रिजल्ट मिला। तो ये देखें इन सब के मैंने लीफ काट के थोड़े थोड़े लीफ जो हैं वो मैंने रहने दिए हैं तो इनको मैंने रेडी कर लिया है। कप्स में मैंने ये देखिए सॉइल जो है वो भर ली है। और ये देखिए तीन होल, हर कप में दो से तीन होल कर लिए हैं। और सॉइल क्या कौन सी लेनी है, ये देखिए वेल ड्रेन जो सैंडी सॉइल है वो आपने लेनी है। बिल्कुल भी इसमें कुछ भी शामिल नहीं है, अभी मैंने इसमें किया सैंडी सॉइल है। अगर आपकी चिकनी मिट्टी है तो आप उसमें थोड़ी सी सैंड शामिल कर लें। मेरी जो है पहले ही काफ़ी सैंडी सॉइल थी इसलिए मैंने बिल्कुल भी इसमें सैंड नहीं शामिल की। अगर आप सैंड में भी ग्रो करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो यूज़ क्या करूँगी अब मैं इनमें, इन तमाम कटिंग को मैं हल्दी जो है वो लगाती जाऊंगी और इनको ग्रो करती जाऊंगी। तो ये देखिए मैंने जो है अपने प्राइड ऑफ इंडिया बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है इसकी कटिंग मैंने ग्रो कर ली है। तो अब मैं इनको लेके चलती हूँ कि कहाँ मैंने प्रॉपरली अपनी तमाम कटिंग्स रखी हैं और कितनी अच्छी तरीके से वो ग्रो हो चुकी हैं, वो भी थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ऐसी जगह जहाँ पर से पानी गुजर रहा है, कटिंग वाले एरिया पर बहुत प्यारी सी फ्लावरिंग हो रही है यहाँ पर मेरे हॉली हुक में। यहाँ पर मैंने मुख्तलिफ कटिंग्स ग्रो की हैं। यहाँ पर कोलियस है, क्रोटन है, ये देखिए काफ़ी स्टेबल भी हो चुकी हैं।
कुछ बस हो रही है, इस तरह चल रहा है। और यहाँ पर ये देखिए मैंने गुलदौदी की कटिंग्स लगाई थी, सब ने शूटिंग स्टार्ट कर दी है। यहाँ पर ये देखिए ये सब की सब मैंने गुलदौदी की कटिंग लगाई थी। यहाँ पर आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप अपनी ये सारी कटिंग्स रख दी हैं। इसी तरह इनमें पानी गुजरता रहता है। ये देखिए ये बेड सा मैंने बनाया है, इसमें मैं इस तरह अब टाइम टू टाइम कटिंग लगाती रहूँगी और रखती रहूँगी। सब चलती हैं, काफ़ी अच्छी चल रही हैं, कुछ हैं कुछ ऐसे ही बस स्टेप। तो यहाँ पर ये देखिए मेरे बहुत ही प्यारा सा फ्लावरिंग प्लांट है राखी की बेल। काफ़ी इसकी कटिंग भी मैंने ग्रो कर ली है, लेकिन अब तो सिर्फ मैं इसके फ्लावर ही आप लोगों के साथ शेयर करने आई थी। तो चलें, अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।